हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्वागत है इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। दोस्तों, आज हम लोग जिस बात करने वाले हैं जिस जॉब की, वो है स्वास्थ्य विभाग से आई भर्ती के बारे में। और उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके जस्ट बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कीजिए, जिससे हमारी बनाई हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इस चैनल पे सभी जितने भी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन होते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, ठीक है, या फिर ऑन रोल हो, ठीक है, सभी के नोटिफिकेशन बताए जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको इसकी ज़रूरत है नोटिफिकेशन की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा और वीडियो से देखने में वंचित रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है आपके सामने पोस्ट में बता दूं, ये जो पोस्ट है ये प्यून की पोस्ट है, ठीक है। जो पोस्ट की हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो पोस्ट है प्यून की पोस्ट है, ठीक है। चलिए मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ कि आपको साफ साफ दिखेगा, ठीक है। देखिए, पोस्ट नेम प्यून, ठीक है, और इसका जो पे मिलेगा वो डेली बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। देखिए, कैटेगरी नेम ऑफ पोस्ट तो प्यून की है। किस कैटेगरी में? क्लास फोर्थ के कैटेगरी में चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 35 है, ठीक है, टोटल 35 है। पे बांड की बात की जाए कि मतलब पे बांड कितना मिलेगा, तो यहाँ देख सकते हैं वैकेज ऑफ रेट लिखा हुआ 225 पर डे, यानी 225 रुपया पर डे के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, यानी हाई स्कूल आपको पास होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, हाँ, मैट्रिकुलेशन, और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये हुई क्वालिफिकेशन। और एज लिमिट की अगर हम बात करें कि कितने से कितने एज के लोग इसको भर सकते हैं, तो दोस्तों आपकी एज जो होनी चाहिए 18 से लेकर के 45 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, 18 से 45 वर्ष का अगर एज है आपका, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप तैयार हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई फॉर्म तो आ गया, लेकिन इसकी डेट क्या है। तो चलिए डेट की हम बात करते हैं। देखिए, 15/2/19 से फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है, यानी 15 फरवरी से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट है। अब 20 फरवरी तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 5 दिन का आपको मौका मिलेगा सबमिट करने का, तो 5 दिन के अंदर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर लीजिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए, ये आपके सामने लिंक दिया हुआ है www.hphealth, यानी hphealth, ठीक है, .nice.in पे आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। अब तो ये बातें हो गई, अब ये जानते हैं कि ये वैकेंसी आ कहाँ से रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात की वैकेंसी, भाई आपको कोई डिटेल मालूम पड़ गए लेकिन यही ना मालूम पड़े कि वैकेंसी कहाँ की है, तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले पेज पे ही ले चलता हूँ, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आपकी आ रही है, हिमाचल प्रदेश शिमला सेक्टर 9 से आ रही है, ठीक है, शिमला 9 से ये वैकेंसी आपको मिल रही है। तो आप जान गए होंगे कि वैकेंसी कहाँ से आ रही है, ठीक है, शिमला की ये वैकेंसी है। और देखिए, क्लास फोर्थ की जॉब है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है, तो हाँ, यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर है इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, और हाँ, ये 24 तारीख की, देखिए यहाँ पे जो मोहर लगा हुआ है 24 तारीख का लगा हुआ है, 24 तारीख को ये पब्लिश की गई है वहाँ पे, ठीक है। शिमला की बात हो रही है, शिमला हिमाचल प्रदेश में, आप जान ही रहे हैं शिमला कहाँ है, ठीक है। तो ये वहाँ की वैकेंसी है, और आपने को डेट भी मालूम पड़ गया कि फॉर्म कब से कब तक भराएगा। 5 दिन का मौका है, 5 दिन के अंदर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही जॉब हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप शिमला के हैं, तो अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप वहाँ जाके इस जॉब को अप्लाई करके ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग
छोटी से बड़ी जितनी जॉब होती है सभी जॉब की डिटेल हम आप लोग को देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, मिलते हैं अगले किसी जॉब के साथ। ओके बाय, गुड डे।